वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कुछ और स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें से इस प्रोग्राम में से डिलीट करता हूँ, और अब मैं इस प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग वन, या इसको मैं सिर्फ एस का नाम देता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ क्विक फॉर द लेजी डॉग। अब मैं जो दो स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ, वो एक तो है उसमें से इंडेक्स ऑफ, यानी कि अगर मैं एस डॉट इंडेक्स ऑफ बताना चाहूँ किसी एक, मैं इसमें करेक्टर भी दे सकता हूँ और स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं ए का इंडेक्स देखना चाहता हूँ कि जो लव्स या करेक्टर ए है वो इसमें है या नहीं है। अगर इसमें कोई ऐसा करेक्टर जो इसको ना मिले तो ये -1 रिटर्न करेगा, अगर इसको मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो इसने हमें ज़ीरो रिटर्न कर दिया। लेकिन हम ए की बजाय हम पूरा एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। मैं इसमें लिख सकता हूँ द का मुझे इंडेक्स ऑफ बताओ, सॉरी इसको डबल कोट्स में बंद करना है, द को। तो आप देख सकते हैं 29 इसका जो इंडेक्स है वो 29 है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने। एक और काम भी हम कर सकते हैं इसमें, मैं इसमें लिख सकता हूँ कि मुझे ए का इंडेक्स बताओ लेकिन 3 इंडेक्स के बाद इस लफ्ज़ को, इस करेक्टर को ढूंढो थर्ड। तो आप देख सकते हैं 34 34, ये इसको एक और ए मिल गया इस स्ट्रिंग में। और हम एक और काम भी कर सकते हैं कि मुझे क्या बताओ, मुझे बताओ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए बताओ मुझे। मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो 34, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई और ए नहीं है, तो इसने मुझे आखिरी इसका इंडेक्स बता दिया। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि लास्ट इंडेक्स ऑफ ए बताओ 35 के बाद, चेक कर 30 के बाद चेक करना शुरू करो, तो ये मुझे ज़ीरो बताएगा क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको जो ए मिला वो आखिरी ये मिला। अब हम एक और काम करते हैं, इसमें से एक्स को डिलीट करते हैं और हम इसमें सर्च करते हैं इंडेक्स ऑफ एक्स। एक और ब्रैकेट यहाँ पर, नहीं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं -1, क्योंकि इसको इस स्ट्रिंग में एक्स का वर्ड या करेक्टर नहीं मिला। तो ये इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये दो फंक्शन हैं, इस्तेमाल हम इनको कहीं भी कर सकते हैं जब हमें सर्च वगैरह की ज़रूरत पड़े। तो मेरी मुलाकात अब होगी आपसे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।